वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और सिविल इंजीनियरिंग मध्य प्रदेश में आप लोगों के लिए ये पूरे महीने होने वाला है टेस्ट की सीरीज। यहां लगातार हम आपके ऊपर जो फील्ड से रिलेटेड जितने टेस्ट है जो कि एक साइट इंजीनियर को जरूरत पड़ता है, जैसे सीमेंट का फाइननेस टेस्ट, सीमेंट का फील्ड टेस्ट, कॉन्क्रीट के लिए स्लम कोन टेस्ट, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट, सैंड के लिए सिल्ट कंटेंट टेस्ट और उसका सीव एनालिसिस टेस्ट, ब्रिक्स के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन एफ्लोरोसेंस टेस्ट और मिक्स डिजाइन की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, ये सारी चीजें इस महीने आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले फाइननेस ऑफ सीमेंट से। फाइननेस ऑफ सीमेंट हम करते क्यों है? सबसे पहले जो हमारे सीमेंट जो हमारे साइट पाए रहते हैं वो फाइनर पार्टिकल्स हैं या कोर्सर पार्टिकल्स हैं, उस चीज को जानने के लिए, पार्टिकल के साइज को जानने के लिए हम इस फाइननेस टेस्ट का यूज करते हैं। अब आपको पता ही होगा कि हमारा सीमेंट जितना फाइनर होगा उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी हमारे साइट पर यूज करने के लिए, और जितना वो कोर्सर होगा उतना ही अच्छा नहीं होगा हमारे साइट में यूज करने के लिए। अब एज अ साइट इंजीनियर जब मैं साइट पर रहता हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ये भी होती है कि क्वालिटी पे भी ध्यान दूं मटीरियल्स के, उसके लिए हमको ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं साइट में ही। तो अगर मैं इसके बात करूं कि कितना परसेंटेज रिटेंशन होना चाहिए तो परसेंटेज रिटेंशन जो है इसके लिए हम 90 माइक्रॉन की एक सीव यूज करते हैं और 90 माइक्रॉन की सीव में लगभग 10% से ज्यादा रिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो कैसे होता है ये, क्या क्या अपरेटस यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं बट हम साइट में जो परफॉर्म करते हैं वो बाय हैंड और सीव एनालिसिस मेथड से करते हैं। तो सीव एनालिसिस में सबसे पहले क्या क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक 90 माइक्रॉन की सीव लगेगी, एक लिड लगेगा, लिड मतलब उस सीव का ढक्कन, ताकि जब अपन उसको शेक करें तो उसमें से मटेरियल बाहर ना गिरे। दूसरी चीज आपको लगने वाली है एक वेइंग बैलेंस, जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, जो हमारे साइट पे कोई भी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, तो एक वेइंग मशीन होना चाहिए। उसके साथ साथ में ही आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, और अगर आप सीव एनालिसिस सीव शेकिंग मशीन से कर रहे हैं तो ऑप्शनल होता है, क्योंकि अपन साइट की बात करें तो ज्यादातर हाथ से ही इस चीज को किया जाता है। तो अपरेटस में सिर्फ आपके पास एक वेइंग मशीन होना चाहिए, 90 माइक्रॉन की सीव होनी चाहिए और एक ब्रश होना चाहिए, ब्रिटल ब्रश जो भी आपके पास अवेलेबल। इसके प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में ये कर रहा है कि आपके पास जो सीमेंट बैग आया रहेगा उसी में ही आपको वहां से 1 किलो सैंपल उठाना है, मतलब 1000 ग्राम सैंपल उठाना है। एक पैन रखना है वेइंग मशीन के ऊपर, वेइंग मशीन के ऊपर वो 1000 ग्राम को आपको डालना है और मेजर करना है कि प्रॉपरली 1000 ग्राम हो रहा है कि नहीं। डालते समय ये ध्यान रखें कि उसको प्रॉपरली रब कर लिया जाए ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई भी लम्स ना हो, तो लम्स से भी फ्री होना चाहिए। 1000 ग्राम आपने जैसे ही वेट ले लिया वो हो जाएगा आपका W1। जैसे ही ये हो गया आप क्या करेंगे, उसको सीव शेकिंग मशीन या आप सीव शेकर या आपके पास जो 90 माइक्रोन की सीव है उसमें उस 1000 ग्राम के सैंपल को रखेंगे, उसके लिड को लगाएंगे और नीचे पैन लगाएंगे और उसको प्रॉपरली शेक करेंगे हर डायरेक्शन, ताकि वो प्रॉपरली से शेक हो सके। जब भी हम हैंड शेकिंग करते हैं तो लगभग ये 15 मिनट तक की आपकी शेक होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर आपका एक रिजल्ट दे पाएगा और एरर कम से कम रहे। उसके लिए आपको कम से कम ऐसे 3 से 4 सैंपल्स बना के 3 से 4 बार ये टेस्ट को रिपीट करना होता है। जैसे ही आप शेक कर लिए तो आपने देखा कि पूरा अगर परसेंटेज रिटेन हो गया है तो आप ब्रश से हल्का हल्का उसको आप मूव कर लीजिए और देखिए कि पैन में जो मटेरियल जो पास हो चुका है 90 माइक्रोन की सीव से उसको अलग कर दीजिए, और ऐसे पार्टिकल्स जो 90 माइक्रोन की सीव के ऊपर हैं और वो छने नहीं, वो ऊपर पे ही हैं, उनको आप एक अलग बोल में रख लीजिए और उस बोल का वेट कर लीजिए, और जो वेट होगा वो आपका W2 का वेट होगा। ध्यान रखिएगा ये जो W2 वेट है, जो आपके सीमेंट पार्टिकल्स बच गए हैं उस 90 माइक्रोन की सीव में उसका वेट करना है। जैसे नॉर्मली आप घरों में जब आटा गूंधते हैं, जब रोटी बनाने के लिए जब आप आटा निकालते हैं तो आपके पास एक छन्नी होती है, उस छन्नी में आप आटा डाल के उसको पहले छानते हो तो देखते होगे कि ऊपर में कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पूरे पास नहीं हो पाते। तो बस वही चीज हम यहाँ पे भी सीमेंट के साथ चेक कर रहे हैं, और जैसे ही अब मेरे को चेक करना है कि कितना परसेंटेज रिटेन हो गया, कितना उस जाली में उस सीव में रह गया, उसके लिए हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं W2 by W1 into 100, जिसमें W2 आपका जो वेट है वो जो आपकी 90 माइक्रॉन की सीव में जो बच गए हैं उनका वेट,
और डब्ल्यू वन आपका जो सैंपल का वेट था जो कि 1 किलो का था, डिवाइड करिए इंटू 100 करिए, परसेंटेज रिटेंशन आपको मिल जाएगा। और ये परसेंटेज रिटेंशन जो है हमारे स्पाइनलेस सीमेंट के केस में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अगर 4%, 5%, 6% अप टू 9%, 8% तक भी आ रहा है तब भी वो यूजेबल है, वो सीमेंट आप अपने साइट में यूज कर सकते हैं। अगर 10% से ज्यादा आ रहा है तो उस मटेरियल को, इस सीमेंट को आप यूज नहीं करेंगे साइट में। तो आई होप इंजीनियर ये प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और टेस्ट जो होते हैं हमारे साइट में, उसके लिए लगातार सीरीज आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर बटन को क्लिक करिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए जो भी साइट पे वर्क कर रहे हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, इसी तरह से बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।